नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 2 में भाग 13 तक देखा था। अब मैं भाग 14 के बारे में बताऊंगा, उसके आगे के टॉपिक के बारे में। भाग 13 के अंतर्गत मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीवों के बारे में, जैसे वायराइड्स, प्रियॉन और विषाणु। वायराइड और प्रियॉन के बारे में विस्तृत वर्णन मैंने कर दिया था भाग 13 के अंतर्गत। अब भाग 14 के अंतर्गत मैं आपको विषाणु के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु, जिन्हें इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, विषाणु किसके बने होते हैं? सबसे पहला टॉपिक तो यही होता है, आखिर होता क्या है विषाणु। तो विषाणु कुछ नहीं होते, इनमें होता है सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, बस इन्हीं दो चीज़ों से विषाणु बने होते हैं। याद रखेंगे, इनमें कोई कोशिका नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोशिकांग भी नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ इनमें न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है। पूछा जा सकता है कि विषाणु किसके बने होते हैं, तो विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयुक्त संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयुक्त संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। तो विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल सिर्फ दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो वायरस में या तो डीएनए पाया जाता है और या तो आरएनए पाया जाता है, ठीक है। दोनों कभी भी नहीं पाए जाते एक साथ, किसी भी विषाणु में डीएनए आरएनए एक ही विषाणु में कभी भी नहीं पाए जाते, इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाएगा, दोनों साथ में कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें विषाणु की संरचना, तो डीएनए अगर है किसी विषाणु में, तो डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण, यही संरचना कहलाती है एक विषाणु। अगर कोई विषाणु ऐसा है जिसके न्यूक्लिक अम्ल आरएनए है, तो आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण हो गया, यही कहलाता है एक विषाणु, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल और ये जो हो गया आवरण प्रोटीन, ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल, ये हो गया प्रोटीन, बस ये है विषाणु की संरचना। विषाणु कैसे होते हैं? उनमें बीच में न्यूक्लिक अम्ल होता है, चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है। याद रखेंगे, जो इनमें प्रोटीन का आवरण होता है उसे हम कहते हैं कैप्सिड। प्रोटीन आवरण को कहते हैं कैप्सिड, जो बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर। छोटी छोटी इकाइयों, जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं, से बनी होती हैं, कैप्सोमियर। कैप्सिड प्रोटीन किसका बना होता है? छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। तो विषाणु क्या है? विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, मतलब विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो किसी भी विषाणु में एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, और इसी न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ होता है प्रोटीन का आवरण, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बने होते हैं छोटी छोटी उप इकाइयों के, जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमियर। विषाणु के लक्षण देखा जाए तो विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं, सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। इसी वजह से विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑन एंड नॉन लिविंग। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनमें दोनों के लक्षण होते हैं। अगर विषाणु किसी कोशिका के बाहर है, मान लो इस हवा में उड़ रहा है, हमारे शरीर में जब तक नहीं है, तब तक विषाणु निर्जीव माना जाता है, वो अक्रिय होता है, किसी भी क्रिया को करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन यही विषाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में ये क्या करता है? रहकर सजीव हो जाता है और सजीव की तरीके से कार्य करता है। इस वजह से ये सजीव और निर्जीव दोनों की तरह कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं कि विषाणु कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं, कोशिका के अंदर सजीव हो जाते हैं। सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं? इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए या आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब ये रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है इनके सजीव का लक्षण। दूसरा, इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए और या आरएनए मिलता है, तो ये भी एक सजीव का लक्षण है। तो ये दो लक्षण इसमें दर्शाया जा रहा है, जो एक सजीव के लक्षण को बताता है विषाणु के अंदर। विषाणु का जो डीएनए या आरएनए है, आनुवंशिक पदार्थ जो भी है,
उसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता होती है। दूसरा, इनमें डीएनए आरएनए पाया जाता है जो मुख्यतः सजीवों में पाया जाता है। निर्जीव के लक्षण क्या हैं? तो ये कोशिका के बाहर क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। कोशिका के बाहर अक्रिय, मतलब इनमें कोई क्रिया नहीं होती। दूसरा, अगर देखा जाए तो इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सभी नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरा, और अगर हम निर्जीव के लक्षण देखें तो इनमें श्वसन वगैरह भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ आपको, विषाणु के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं होता। प्रोटीन का आवरण जो होता है उसे हम कहते हैं कैप्सिड, प्रोटीन के आवरण को कहते हैं कैप्सिड, जो किसका बना होता है? छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें हम कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होता है या आरएनए। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है विषाणु में। तो वो है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस में भी आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एचआईवी, एचआईवी वायरस में भी आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। टीएमवी, तंबाकू मोजैक वायरस, तंबाकू का मोजैक विषाणु भी उसके अंदर भी आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में भी आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। बाकी बहुत सारे वायरस हैं ऐसे हैं जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात करें कि विषाणु जनन कैसे कर, मतलब कार्य अपना कैसे करते हैं, एक किसी कोशिका में पहुंचने के बाद ये कैसे किसी को संक्रमित करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लो जंतु में ये पहुंचते हैं, किसी जंतु के शरीर में पहुंचते हैं, तो ये जंतु की कोशिका है, जंतु की कोशिका में इसका अपना डीएनए है, ठीक है, अपना कोशिकांग है। जब कोई विषाणु आता है, जब कोई भी विषाणु आता है, मान लो ये कोई वायरस है, किसी कोशिका के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए या आरएनए, इसको क्या करता है? जंतु की कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। मतलब ये जो डीएनए है, विषाणु का डीएनए, वो कहाँ चला आता है? इस जंतु की कोशिका में आ जाता है। ये है, मान लेते हैं एक विषाणु और ये है जंतु की कोशिका। तो जब विषाणु किसी जंतु कोशिका के समीप या किसी पौधे की कोशिका के समीप या किसी भी जीवित कोशिका के समीप पहुंचते हैं, तो सबसे पहले अपने आनुवंशिक पदार्थ को इनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। जंतु की कोशिका में एग्जांपल दे रहे हैं, तो जंतु की कोशिका में अगर डीएनए के पास इसका डीएनए पहुंचता है, तो जंतु की कोशिका इस डीएनए को, वायरस के डीएनए को भी अपना मान बैठती है और इसके अगेंस्ट क्रिया करने लगती है। तो चूँकि वायरस का डीएनए है, इस वजह से इसके डीएनए से इसी कोशिका के अंदर क्या बनने लगता है? वायरस बनने लगता है, ठीक है, कोशिका के अंदर ही वायरस बनने लगता है, याद रखेंगे। ऐसे ही विषाणु जनन करते हैं, किसी जीवित कोशिका के समीप जाते हैं और उसके अंदर अपना आनुवंशिक पदार्थ स्थानांतरित कर देते हैं, और ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, इसकी कोशिका सोचती है कि यह भी हमारा ही डीएनए है, और इस डीएनए से फिर एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन जो संरचना बनती है वो क्या बन जाता है? विषाणु। इस प्रकार से नए विषाणु बनते हैं। तो विषाणु जब कोशिका के बाहर होते हैं तो अक्रिय होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जैसे ही इनका मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, नए विषाणु बनना शुरू होते हैं और उनसे बहुत से ऐसे टॉक्सिन रिलीज होते रहते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये था विषाणु के बारे में, कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे विषाणु या वायरस। विषाणु जंतुओं, मनुष्यों तथा पौधों को रोगग्रस्त करते हैं, जिनसे अनेक बीमारियां तथा आर्थिक हानि होती है। सबसे पहले मेयर ने सबसे पहले उत्तरी यूरोप में
तंबाकू मोजैक वायरस का, तंबाकू मोजैक विषाणु का पता लगाया था। ठीक है, अगले लाइन से लिखेंगे, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, लिखेंगे अतः इन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल ब्रैकेट में लिखेंगे या तो डीएनए या आरएनए पाया जाता है, ब्रैकेट क्लोज का केंद्रीय कोर सेंट्रल कोर होता है, जिस पर प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों की बनी होती हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड केंद्रीय कोर को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब जो सेंटर होता है सेंटर को ही कहते हैं केंद्रीय कोर, केंद्रीय कोर या सेंटर, सेंट्रल कोर। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है वो सेंटर कोर को सुरक्षा प्रदान करती है। अगले लाइन से लिखेंगे हेडिंग विषाणुओं के मुख्य लक्षण, लिखेंगे विषाणुओं में सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के गुण मिलते हैं, इसी कारण इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। हेडिंग डालेंगे विषाणुओं के सजीव लक्षण। सजीव लक्षण में पहला लिखेंगे इनमें आनुवंशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। दूसरा, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो आरएनए या तो डीएनए। अधिकांशतः जंतु विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी विषाणु हैं जिसमें डीएनए की जगह पर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे, सॉरी एग्जांपल लिखेंगे पोलियो वायरस, एचआईवी, तंबाकू मोजैक वायरस, टीएमवी जिसे कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। इतने एग्जांपल हैं जिन वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। होता तो ये है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन, लेकिन कुछ विषाणु में चूंकि आरएनए पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, तो इनमें क्या होता है, पहले आरएनए से डीएनए बनता है और फिर डीएनए से एमआरएनए और फिर इससे बनता है प्रोटीन। तो जो आरएनए से डीएनए बनता है वो बनता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से डीएनए बनता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है उनसे पहले आरएनए से डीएनए बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस एंजाइम की मदद से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, और फिर एमआरएनए और फिर प्रोटीन बनता है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। निर्जीव लक्षण में पहला, परपोषी कोशिका के बाहर विषाणु अक्रिय होते हैं, मतलब किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला का अभाव होता है। तीसरा, इनमें श्वसन आदि का अभाव होता है। चौथा, आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति तथा अपने संवर्धन के लिए ये परपोषी पर आश्रित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये हो गया विषाणु के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कुछ विषाणुओं के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कुछ विशेष प्रकार के विषाणु, इसमें पहले हेडिंग डालेंगे जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियो फेज। देखिए, ये जीवाणु भोजी नाम से लगता है कि जीवाणु वगैरह है, नहीं, जीवाणु भोजी एक वायरस होता है, एक विषाणु होता है। इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों पड़ा है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी का शाब्दिक अर्थ होता है बैक्टीरिया को खाने वाले, शाब्दिक अर्थ जीवाणु को खाने वाले, अतः ये ऐसे विषाणु हैं, अतः ये ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणुओं को खाते हैं या जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम बैक्टीरियोफेज की संरचना देखें तो बैक्टीरियोफेज में मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। एक इनमें होता है हेड रीजन जिसे हम कहते हैं शीर्ष, और उसके बाद ये कहलाता है कॉलर, और इसी कॉलर पे जुड़े होते हैं इस तरह से इनका टेल जिसे हम पुच्छ कह सकते हैं।
ये है इनका टेल। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। इसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, इनमें डीएनए ही पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ये है कॉलर रीजन, ये बन गया एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड रीजन जिसके बीचों बीच होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, और एक कॉलर होता है, कॉलर से जुड़ा होता है इसका पुच्छ टेल रीजन। इस पुच्छ का क्या कार्य है? तो ये पुच्छ, ये चीज़ें, इन्हें कहते हैं पुच्छ तंतु। जो लास्ट वाला पार्ट होता है इन्हें कहते हैं पुच्छ तंतु। ये क्या करते हैं, कोई भी जीवाणु है तो जीवाणु की सतह से, बैक्टीरियोफेज को जीवाणु की सतह से चिपकने में सहायता करते हैं। मान लो कि ये कोई बैक्टीरियोफेज है तो ये टेल जो होते हैं वो जीवाणु को, जीवाणु भोजी को जीवाणु से चिपकने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनका जेनेटिक मटेरियल, ये एक जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जीवाणुओं को प्रभावित करते, जीवाणुओं को खाते हैं। इनके तीन भाग होते हैं, शीर्ष भाग में इनका होता है डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होता है? शीर्ष भाग में। इसका फिगर पूछा जाता है, फिर एक कॉलर होता है और फिर पुच्छ होते ढेर सारे। पुच्छ का कार्य क्या होता है? किसी जीवाणु की सतह से चिपकने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनका भी सेम वही फिनोमिना, चूँकि वायरस हैं ये क्या करते हैं, ये है बैक्टीरिया का डीएनए, सॉरी इसको ब्लू कलर से बना दें, ये है बैक्टीरिया का डीएनए और ये मान लेते हैं है बैक्टीरियोफेज का डीएनए। तो ये भी अपने डीएनए को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? इनमें, बैक्टीरिया में, जिससे बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनने लगते हैं। चूँकि बैक्टीरियोफेज का डीएनए है तो यहाँ पर डीएनए से क्या बनेगा? बैक्टीरियोफेज ही बनेगा। इस प्रकार से इस कोशिका में ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बनना शुरू कर देते हैं, और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज के बनने से सेल क्या होती है? फट जाती है, जीवाणु कोशिका बर्स्ट हो जाती है, मतलब जीवाणु नष्ट हो जाता है। तो लिखेंगे जीवाणु भोजी के बारे में, हेडिंग डालेंगे जीवाणु भोजी, लिखेंगे ये विषाणु जीवाणु पर परजीवी होते हैं, इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का शाब्दिक अर्थ होता है जीवाणुओं को खाने वाले। जीवाणु भोजी एक टेडपोल के समान होते हैं, टेडपोल के समान होते हैं। इनमें एक सिर, कॉलर तथा पुच्छ होता है। पुच्छ के अंतिम सिरे को पुच्छ तंतु कहते हैं, पुच्छ के अंतिम सिरे को कहते हैं पुच्छ तंतु। लिखेंगे जो बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी को जीवाणु से चिपकने में सहायता करते हैं। शीर्ष के मध्य में डीएनए होता है जो प्रोटीन के एक अलग आवरण से ढका होता है, जिसे आंतरिक कवच कहते हैं, और जो कैप्सोमियर का बना होता है, ये पूरा बना होता है कैप्सोमियर का। लिखेंगे जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। बस ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो इसको आप फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट आता है, अगले विषाणु के बारे में देखते हैं, वो है एचआईवी वायरस। एचआईवी जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे रोग उत्पन्न होता है मनुष्य में, एड्स। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। मनुष्य में एचआईवी वायरस की वजह से एड्स रोग उत्पन्न होता है। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जिनमें
जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये बार बार क्वेश्चन EIPMT में पूछा गया है, HIV में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है, जो कि एक रज्जु की होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV। अगर इसकी फिगर की बात करें तो इसके भी चारों तरफ होता है एक प्रोटीन का बना एक आवरण, मध्य में इसके होते हैं जेनेटिक मटेरियल RNA, DNA तो पाया नहीं जाता HIV वायरस में, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ये है उसका RNA। इन पर इस तरह से एक संरचना होती है जो पूरे सतह पर फैली होती है। इसका फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है HIV का स्ट्रक्चर बनाएं, बहुत ईजी है, एक दो बार बनाएंगे आप इसको तो ये आराम से बनने लगेगा और फिर कभी भूलेगा भी नहीं। ये होता है एक स्ट्रक्चर HIV वायरस का। ये इसका HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल है RNA। और ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसकी मदद से ये RNA DNA में बदलता है और उसके बाद इनमें ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं वायरल एनवेलप, मतलब आवरण जो विषाणु के सबसे बाहर होते हैं। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आउटर कैप्सिड इनर कैप्सिड, ये है इनर कैप्सिड लेयर और ये है आउटर कैप्सिड लेयर। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो HIV के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, जो कि जब किसी कोशिका के अंदर RNA इसका पहुंचता है तो वो RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है DNA में और DNA फिर उस जंतु की कोशिका या पौधे की कोशिका में अपना प्रोटीन बनाता है, विषाणु बनाता है। लिखेंगे HIV के बारे में, इन्हें HIV वायरस इसलिए लिखेंगे HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है या एक प्रकार का रेट्रो वायरस है।
इसमें पाया जाने वाला आरएनए एक रज्जु की होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एक रज्जु की आरएनए इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के पश्चात विषाणु का आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए संश्लेषण आरंभ कर देता है। यह डीएनए परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाता है और प्रोटीन निर्माण करता है। अंत में विषाणु परपोषी कोशिका से मुकुल के रूप में गुणित होकर बाहर आते हैं तथा दूसरी कोशिका को संक्रमित करते हैं। बस एचआईवी का ये फिगर बना लीजिए, ये हो गया एचआईवी के बारे में। अगला आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में देखते हैं। इन्फ्लुएंजा विषाणु जो होता है वो जंतुओं के श्वास नली में श्वास नली को संक्रमित करता है, जंतुओं के श्वास नली को संक्रमित करता है, जिससे कि खांसी, छींक, सर्दी, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए होता है, इसके बारे में भी लिखेंगे। ये कसोरिकु की श्वास नलिका में गुणन करते हैं तथा खांसी, बुखार, छींक आदि पैदा करते हैं। इनमें एक रज्जु की आरएनए मिलता है। अगला आता है चौथा, पॉक्स विषाणु। पॉक्स जिससे होता है चेचक, पॉक्स विषाणु। पॉक्स विषाणु बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, जिनसे मनुष्य में चेचक नामक रोग होता है। लिखेंगे, यह बहुत बड़े आकार का होता है। इसमें डीएनए तथा प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी मिलता है। इसमें मिलने वाला डीएनए द्विरज्जु की होता है और न्यूक्लियोटाइड डंबल आकार का होता है। चेचक विषाणु मनुष्य में रोग संक्रमण करता है, ठीक है। इनके बारे में खास बात ये है कि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड। पांचवा लिखेंगे आखिरी, तंबाकू मोज़ेक विषाणु। तंबाकू मोज़ेक विषाणु, ये तंबाकू में मोज़ेक नामक रोग उत्पन्न करते हैं, टीएमवी, ठीक है। इनका भी जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लिखेंगे, यह छड़ के आकार का विषाणु है। इसमें 95% प्रोटीन तथा 5% आरएनए मिलता है। इसका आरएनए एक रज्जु की होता है। प्रोटीन के निर्माण में लगभग 158 अमीनो अम्ल मिलते हैं, ठीक है। बस ये हो गया तंबाकू मोज़ेक विषाणु के बारे में। तंबाकू मोज़ेक विषाणु का आप फिगर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या फिर आप नेट से भी उसे गूगल से डाउनलोड करके बना जरूर लीजिएगा। तंबाकू मोज़ेक वायरस का फिगर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपका अध्याय 2 पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो थोड़ा वेट करिएगा, मैं इसके आगे अगला चैप्टर जल्द ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, विषाणु से बहुत सारे क्वेश्चन AIPMT और आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।